अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने इलाके चारसद्दा की एक ट्रेडिशनल मीठे स्नैक की रेसिपी। हम इसे गुनजाखी कहते हैं और ये हमारे बच्चों और बड़ों सब के पसंदीदा स्नैक है। गुनजाखी बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो ये हैं। रेगुलर गंदम का आटा 3 कप, गुड़ जितना आप मीठा बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक, और जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों उसे आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ता और बादाम डाला हुआ है। सौंफ तकरीबन 2 टेबलस्पून, देसी घी तकरीबन आधा कप, खशखाश 3 टेबलस्पून। मैं यहाँ आपको खशखाश की साफ करने और धोने का तरीका भी बता रही हूँ। खशखाश में बहुत ज़्यादा रेत होता है इसलिए इसको धोना ज़रूरी होता है, और आप दिखाए गए तरीके से इसे धो कर साफ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आखिर में इस में कितना ज़्यादा रेत बचा हुआ है। ये हमारे पास साफ खशखाश आ गया है और इसका जो थोड़ा सा खशखाश रेत में बाकी रह जाता है इसमें आप पानी डालकर किसी खाली गमले में डाल दें तो ये फिर सर्दियों के शुरू में इससे पौधे निकल आते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप मोटा मोटा कूट लें। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आटे में मिक्स कर दें। गुड़ का शरबत या चाशनी बनाने के लिए 2 कप पानी किसी पतीले में डाल दे और सारा गुड़ डाल दे। मैंने जो ये गुड़ डाला है इससे ये गुनजाखी बस नॉर्मल मीठे थे, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो फिर गुड़ ज़्यादा डालें। तैयार किए गए चाशनी को किसी दूसरे बर्तन में डाल दें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये शरबत अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो उसे थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिला दें। आटे का सख्त सा डो बना लें और फिर इस डो के छोटे छोटे गुनजाखी बना लें। गुनजाखी के एक साइड पर आप किसी बास्केट की मदद से एक प्यारा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं।
तमाम गुनजाखी बनाने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। गुनजाखी बनाने के लिए पानी की मकदार बहुत कम रखते हैं और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं ताकि जो नमी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ये अंदर से भी पक जाए। ये हमारे मज़ेदार गुनजाखी तैयार हैं। गुनजाखी को ठंडा करने के बाद आप किसी एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन एक माह तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें नमी की मकदार बहुत कम होती है। गुनजाखी बनाकर बच्चों के लिए घर में स्टोर करें, ये बच्चों के लिए एक हेल्दी स्नैक है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।